ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारत ने पिछले ही सप्ताह बड़े गुपचुप तरीके से अपनी न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च की थी। इस सबमरीन के लॉन्च होने के साथ ही मानो दुनिया में तहलका मच गया। भारत ने अपनी परमाणु सबमरीन बनाकर अपनी क्षमता का जबरदस्त प्रदर्शन किया और भारत के इसी प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट मानो चरम पर पहुंच गई हो। भारत ने पिछले सप्ताह जिस परमाणु चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को समुद्र में लॉन्च किया था, उसे देखने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने की दिशा में इस न्यूक्लियर सबमरीन का आना भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। 16 अक्टूबर को लॉन्च की गई SSBN का कोड नाम S4 Star है। S4 Star के लॉन्च होने के साथ ही पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा कि ये न्यूक्लियर सबमरीन भारत किस तरीके से संचालित करेगा, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी क्षमता क्या है, ये कहां कहां जाकर वार कर सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल को ले जाने में सक्षम यह सबमरीन अब पाकिस्तान के लिए तबाही ले आएगी। बेहद करीब जाकर पाकिस्तान के अंदर तक तबाही मचाने के लिए अब भारत तैयार है। इसकी रेंज 3,500 किलोमीटर की बताई जा रही है। भारत की इस नई ताकत को देखने के बाद पाकिस्तानी नौसेना में जबरदस्त हड़कंप मचा है। पाकिस्तान नेवी के सेवानिवृत्त कोमोडोर ने प्रतिक्रिया दी है और इसके साथ ही पाकिस्तान नेवी की योजना का भी उन्होंने खुलासा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व कोमोडोर साजिद शहजाद ने भारत की परमाणु चलित पनडुब्बी की ताकत को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भारतीय नौसेना की ताकत जबरदस्त बढ़ने वाली है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान नेवी की ऐसी कोई योजना नहीं है। पाकिस्तानी पूर्व सैन्य अधिकारी ने सुनो डिजिटल यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए एक बड़ी बात कबूली। उन्होंने भारत की ताकत को कबूला, S4 Star की क्षमता को जानने के साथ ही उन्होंने कहा कि यह भारत की ताकत को बढ़ाएगा, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसी कोई तैयारी नहीं है। साजिद शहजाद ने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जमीन पर हमने तबाही का काफी हथियार जमा रखा है, बड़ी जंग लड़ी है, अब समंदर को तो रहने ही दे। जहाज चलते हैं, पूरी दुनिया में ट्रेड होती है, वहां भी हम जंग लेकर जाना चाहते हैं, वहां भी हम हथियारों की रेस में शामिल होना चाहते हैं, एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं। निश्चित तौर पर पाकिस्तानी नौसेना के पूर्व कमांडर का ये बयान एक डर की तरह साफ झलक रहा है। भारत की ताकत को देखकर पाकिस्तान के पूर्व अधिकारी जानते हैं कि पाकिस्तान के पास वो क्षमता नहीं कि वो इस ताकत को अपने पास ला सके। नतीजन वो सामाजिक बातें कर रहे हैं। लेकिन अब जो भी हो, भारत का S4 Star भारत के लिए जबरदस्त ताकत बनेगा। समुद्र में भारत की क्षमता को 4 गुना बढ़ाने के लिए भारतीय सेना हर स्तर पर अपने काम को तेजी से बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।